हेलो दोस्तों भाई, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज है मेरे साथ में जावा की 350। अब मेरे साथ में जो है जो जावा की 350 2024 दोनों ही मॉडल हैं, जिसमें कि एक जो है वो रिसेंट ही जावा ने अपनी जावा स्टैंडर्ड को जावा 350 में कन्वर्ट करने के बाद जो अपडेट आया था वो हमारे साथ यहाँ है। और इसमें भी अभी तक आपको जो जावा का कलर मिलते थे वो ये वाला कलर नहीं मिलता था, तो आप इसको भी अभी रिसेंट ही अपडेट बोल सकते हैं। और अभी जो रिसेंट सबसे न्यू अपडेट जो है वो है जावा का ये वाला कलर, ग्रे कलर है, और इसके अंदर जावा ने क्रोम को रिमूव किया है। और कितना प्राइस डिफरेंस आने वाला है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ बताने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स कैसी परफॉर्मेंस देंगी और कैसी क्वालिटी, कैसी फीचर्स ये दोनों बाइक ऑफर करेंगी आपको जावा की तरफ से। इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूँ। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ इन दोनों ही बाइक्स का, जिसके अंदर आपको इंजन वगैरह स्पेसिफिकेशंस नजर आएंगी। बात करूं मैं इन दोनों के ही बाइक्स के टायर की, तो दोनों ही आपको आगे की तरफ टायर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा। आपको यहाँ जो टायर है वो 100 सेक्शन 100/90 का 18 इंच एक स्पोक व्हील ऑफर किया जाएगा इस बाइक के अंदर। हालांकि इस बाइक में आपको कंपनी अलॉय व्हील भी ऑफर करती है, जो कि प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा वेरी करेगा। दोनों ही बाइक्स में आगे की तरफ आपको डिस्क विद ABS ऑफर होगा और दोनों में ही डिस्क का जो साइज और डिजाइन है वो सेम ही नजर आएगा, साइज में कोई फर्क निकल के नहीं आएगा। बात करिए सस्पेंशन की, तो दोनों ही बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन निकल के आएंगे। और यहाँ लाइट की अगर बात करी जाए तो हैलोजन लाइटिंग सेटअप दोनों ही बाइक्स में आपको ऑफर किया जाएगा जावा की तरफ से। अभी आ जाते हैं हम इन दोनों ही बाइक्स के फ्यूल टैंक की तरफ। अब जो बड़ा चेंज निकल के आया है वो फ्यूल टैंक के ऊपर ही निकल के आया है, जो काफी ज्यादा हाईलाइट होता है जावा की तरफ से। अब जावा ने क्या किया है, जावा का जो अभी तक वेरिएंट्स आते थे, जावा चाहे आप जावा स्टैंडर्ड कह लो या फिर जावा का 350 कह लो, दोनों ही मॉडल्स में आपको जो जावा ऑफर करता था वो क्रोम के साथ यहाँ जावा ऑफर करता था। मतलब कि फ्यूल टैंक पे आपको एक पार्ट जो है वो क्रोम के साथ में नजर आता था। बट अभी क्या किया है जावा ने, जावा ने एक अपना विदाउट क्रोम वाला ऑप्शन भारतीय बाजार में उतारा है, जिसमें कि प्राइस काफी हद तक काफी ज्यादा कम हुआ है। ये है मेरे साथ में ग्रे, आप इसका देख सकते हो, ये सिंगल टोन कलर में ऑफर होगा और यहाँ पर आपको क्रोम का कोई वर्क यूज नहीं मिलेगा देखने के लिए, जो कि काफी अच्छा एंड काफी बढ़िया यहाँ निकल के आता है। वहां पर आपको क्रोम वर्क के साथ में जावा क्लासिक यानी जावा 350 नजर आएगी। मेन डिफरेंस यहाँ जावा की तरफ से यही निकल के आया है। अभी बात करूं मैं इंजन की, तो यहाँ दोनों ही बाइक्स में आपको 334 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4-वॉल BS6 लिक्विड कूल फेज 2 इंजन नजर आएगा 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। बात करें इसकी इन दोनों ही बाइक्स की पावर की, तो 22.2 PS की पावर एंड 28.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क नजर आएगा। पावर फिगर जो है वो सेम ही है, पावर में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों ही बाइक्स में। बात करिए इन दोनों ही बाइक्स की सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 178 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको क्लासिक के वेरिएंट्स में नजर आएगा। दोनों में ही 790 mm यहाँ ये सीट हाइट ऑफर करती है ये गाड़ी। अब अगर आप हैं शॉर्ट हाइट राइडर तो ये बाइक आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, आप इजिली इस बाइक को राइड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से इस बाइक को आप भारतीय बाजार के अंदर चला सकते हो। सीट जो है वो दोनों की ही सेम रखी गई है, दोनों में ही आपको कुछ इस टाइप की सीट नजर आएगी जो कि काफी कंफर्टेबल होती है मेन राइडर और पिलियन राइडर के लिए। साइड पैनल्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बाइक्स में आपको रेयर में ये स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन नजर आ जाते हैं, दोनों ही बाइक्स में कोई डिफरेंस नहीं है रेयर सस्पेंशन वगैरह में। टेल की बात करी जाए तो टेल लाइट जो है वो आपको LED नजर आएगी, हैलोजन इंडिकेटर टर्न नजर आएंगे। यहाँ देख सकते हो दोनों ही बाइक्स की टेल लाइट जो है वो सेम ही निकल के आती है। अब जावा जो है अपनी हर गाड़ी में डुअल सस्पेंशन ऑफर करता है जावा हर मॉडल में, तो आपको यहाँ पर भी सेम डुअल एग्जॉस्ट नजर आएगा, जो कि आप देख सकते हो दोनों ही मॉडल्स में डुअल एग्जॉस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करिए इन दोनों के ही रेयर टायर की, तो यहाँ जो टायर है वो आपको काफी अच्छा और दोनों ही बाइक्स में सेम ही नजर आएगा। 130/80 17 इंच के स्पोक व्हील के साथ में नजर आएगा और लगभग 220 mm का रेयर डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS ऑफर करता है जावा, तो ब्रेकिंग जो है वो काफी अच्छी होने वाली है, ब्रेकिंग के मामले में कहीं से कहीं तक ये बाइक आपको निराश नहीं करेगी, जो कि काफी अच्छी ब्रेकिंग आ जाती है। अब आ जाते हैं मीटर पे, तो मीटर के अंदर दोनों ही बाइक्स में आपको एक एनालॉग मीटर ऑफर करेगा, जिसके अंदर सारे ब्लिंकर्स नजर आ जाते हैं, लगभग 8 टाइप्स के यहाँ ब्लिंकर्स नजर आएंगे, जैसे ABS हो गया, न्यूट्रल लाइट हो गया, इंजन लाइट हो गई और रिजर्व मोड। और यहाँ देखोगे तो आपको
फ्यूल का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है, फ्यूल गेज। एक छोटी सी डिस्प्ले नजर आएगी जिसके अंदर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ जैसा फीचर देखने के लिए मिल जाता है। बात करिए दोनों ही बाइक्स के हैंडल बार की, तो दोनों ही बाइक्स में आपको एक सिंगल हैंडेड हैंडल बार नजर आएगा, सिंगल पाइप, जो कि दोनों ही बाइक्स की आपकी जो बैलेंसिंग है वो दोनों सेम रहेगी, हैंडलिंग में किसी भी तरीके का कोई फर्क निकल के नहीं आएगा। तो ये जो चीज हो गई, ये दोनों बाइक्स जो एक दूसरे से बोरो करती हैं वो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स एक दूसरे से करती हैं ये बोरो, बट डिफरेंस क्या निकल के आता है, डिफरेंस दो है। पहला, यहाँ ये क्रोम आपको ऑफर हो जाती है, जो कि पुरानी वाली जावा 350 और जो न्यू रिसेंटली अपडेट जावा 350 है उसमें खाली क्रोम का वर्क हटा के इसको एक सिंगल टोन कलर बना दिया गया है। अब प्राइसिंग दूसरा जो चेंज है वो सीधी सीधी बात है, जाहिर सी बात है, जब इसके अंदर क्रोम हटेगा तो यहाँ ये गाड़ी आपको कम प्राइस में मिलेगी। अब जावा ने क्या किया है, जावा 350 ने आपको एक कम प्राइस ऑफर भी किया है। अब बात करिए न्यू वाली जावा की, जो कि सिंगल टोन है विदाउट क्रोम, ये 1,99,000 एक्स शोरूम के साथ में आप आपको भारतीय बाजार में नजर आएगी, और इसी बाइक में आप एलॉय व्हील ऑफर भी कर सकते हो। लाइक जावा जो है इस बाइक में एलॉय व्हील भी देती है, जो कि आपको 2,09,000 एक्स शोरूम में नजर आएगी। तो लगभग 10,000 के डिफरेंस में आप इसको स्पोक से एलॉय कर सकते हो। ये कंपनी की तरफ से होगा, ऑफिशियली कोई बाहर से नहीं होगा, आपको कंपनी से ही ऑफर किया जाएगा। वहां पर भी सेम रहेगा, 2,15,000 में, यानी कि 2,14,900 रुपए इस बाइक का एक्स शोरूम है, जो कि बेस वाला होगा प्राइस, जिसमें कि आपको क्रोम वाला देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इसी बाइक को अलॉय व्हील के साथ करवाते हैं तो 2,24,000 एक्स शोरूम आपको ऑफर करेगा, लगभग 10,000 से 9,000 यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि कंपनी से ही आपको फिटेड मिलेगा। अब आप बताओगे कि आप जावा 350 लगभग 15,000 कम रुपए में ये बेस वाला मॉडल कंसिडर करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? अगर आप भी जावा लवर हैं तो आपके लिए जावा की ये वाली बाइक जो है वो काफी अच्छी हो सकती है, काफी बढ़िया ये ऑप्शन बन सकता है। जावा ने जो है अपनी जावा की स्टैंडर्ड जो है जावा की 350 जो है उसके अंदर भी एक और मॉडल दिया है, अब इसको हम रिसेंट अपडेट कहेंगे और इसको ही बेस मॉडल भी कहेंगे। अब इसके अंदर जावा ने दो कलर ऑफर और दिए हैं, जिसमें कि एक ग्रीन ग्लॉसी ग्रीन टाइप में नजर आएगा और एक ग्लॉसी ब्लैक में भी नजर आएगा। तो कलर ऑप्शंस आपको मल्टीपल मिलने वाले हैं जावा की तरफ से। अब आप मेरे को बताएंगे कि आप किस बाइक को कंसीडर करना चाहोगे, और इससे रिलेटेड और वीडियोस अगर चाहते हैं, इसी बाइक्स की एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू और जो ब्लैक कलर है उसका वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर मिल जाएगा, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में।